अब इसके बाद में आचमन की विधि है। तो आचमन की विधि में ये है कि प्रत्येक कार्य में आचमन का विधान है। आचमन से हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं करते, अपितु ब्रह्मा से लेकर तृण तक को तृप्त कर देते हैं। आचमन न करने पर हमारे समस्त कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं। अतः शौच के बाद भी आचमन का विधान है। लांग लगाकर, शिखा बांधकर, उपवीति होकर और बैठकर 3 बार आचमन करना चाहिए। उत्तर, ईशान या पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं, हाथ घुटनों के भीतर रखें, दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करके आचमन नहीं करें। तो आचमन के लिए अब जल की जो मात्रा है वो इस प्रकार है। जल इतना लें कि ब्राह्मण के हृदय तक, क्षत्रिय के कंठ तक और वैश्य के तालु तक और शूद्र तथा महिला के जीव तक पहुंच जाए। हथेली को मोड़कर गौ के कान की तरह बना लेना चाहिए। कनिष्ठिका और अंगूठे को अलग कर दें। शेष अंगुलियों को सटाकर ब्राह्म तीर्थ से मंत्र बोलते हुए आचमन करना चाहिए, जिसमें आवाज न हो। आचमन के समय बाएं हाथ की तर्जनी से दाएं हाथ के जल का स्पर्श कर लें तो सोमपान का फल मिलता है। तो आचमन के लिए आप जो है, जो मंत्र है, ओम केशवाय नमः, ये कह करके ग्रहण करें। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन के बाद अंगूठे के मूल भाग से होठों को 2 बार पोंछ कर ओम ऋषिकेशाय नमः यह बोलकर हाथ धो लेना चाहिए। फिर अंगूठे से नाक, आंखों और कानों का स्पर्श करना चाहिए। छींक आने पर, थूकने पर, सोकर उठने पर, वस्त्र पहनने पर, अश्रु गिरने पर यानी आंसू आने पर आचमन करना चाहिए। अथवा दाहिने कान के स्पर्श से भी आचमन की विधि पूरी हो जाती है। आचमन बैठकर करना चाहिए, यह मतलब बहुत स्मरण रखना चाहिए। किंतु घुटने से ऊपर जल में खड़े होकर भी आचमन किया जा सकता है। जब जल घुटने से कम हो तो यह नियम लागू नहीं होता, तब बैठकर ही आचमन किया जाना चाहिए। अब है संकल्प का, हम आपको बता चुके हैं। तो मुख्य चीज ये है कि हर चीज में एक संकल्प किया जाता है। तो अपना जो यहाँ वो है, अब इसके बाद में दंत धावन क्रिया है। तो दंत धावन क्रिया में मुख शुद्धि होती है। तो मुख शुद्धि के बिना पूजा पाठ मंत्र जप आदि निष्फल होते हैं। अतः प्रतिदिन मुख शुद्ध्यर्थ दंत धावन अथवा मंजनादि अवश्य करना चाहिए। दातोन करने के लिए 2 दिशाएं ही निश्चित हैं, विहित हैं। एक तो ईशान कोण और दूसरी पूरब दिशा। अतः इन्हीं दिशाओं की ओर मुख करके बैठ जाएं। ब्राह्मण के लिए दांतों 12 अंगुल की रहती है, क्षत्रिय के लिए 9 अंगुल की रहती है, वैश्य के लिए 6 अंगुल की रहती है और शूद्र तथा स्त्रियों के लिए 4-4 अंगुल की दांतों होना चाहिए। दांतों लगभग कनिष्ठिका के समान मोटी होनी चाहिए। एक सिरे को कूंच कर कूची बना लेना चाहिए। दांतों करते समय हाथ घुटनों के भीतर रहें और दांतों को धोकर एक मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए। तो आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशुवसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। इस मंत्र से दांतों को पहले फूंक दें, उसके बाद में फिर मौन होकर मसूड़े को बिना चोट पहुंचाए दांतों करना चाहिए। दांतों की अच्छी तरह सफाई हो जाने पर दांतों को तोड़कर और धोकर
नैरत्य कोण में अच्छी जगह फेंक देना चाहिए और जीभ साफ करके 12 कुल्ले करना चाहिए। अब इसमें जो दांतों ने जो ग्रहण करने योग्य है वो चिचड़ा, गूलर, आम, नीम, बेल, कुरैया, करंज, खैर। ये जो वृक्ष हैं इनकी दांतों ने शास्त्रों ने अच्छी और उत्तम मानी है। दूध वाले तथा कांटे वाले वृक्षों की दांतों ने भी शास्त्रों में विहित हैं, यानी शास्त्रों में मान्य की गई हैं। दूध वाले पौधे हों या कांटे वाले वृक्षों, तो उनकी दांतों को भी मान्य किया गया है, लेकिन जो उत्तम है वो हैं जो पहले बताई। निषिद्ध दांतों भी हैं, यानी कि जिनकी दांतों नहीं करना चाहिए, वो वर्जित हैं। एक तो लसोड़ा, लसोड़ा यानी कि जो है लवेरा बोलते हैं उसको, दूसरा पलाश, तीसरा कपास, नील, एक धौ, धौ का जो पेड़ होता है, कुश और कांस, ये इनकी दांतों नहीं करना चाहिए, ये वर्जित दांतों ने हैं। तो इसमें श्लोक है, कुशम कासम पलाशम च शिंशपम यस्तु भक्षियेत तावद भवति चांडालो यावद गंगाम न पश्यति। अब दांतों का निषिद्ध काल भी है, ये भी देखिए कि दांतों कब नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा यानी कि पड़वा की जो तिथि रहती है, प्रतिपदा षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, जन्मदिन जिस दिन हो, आपका विवाह हो, उपवास, व्रत, रविवार और श्राद्ध के अवसर पर दातोन करना निषिद्ध है। अतः इन दिनों में दातोन न करें। इसके लिए श्लोक है, प्रतिपदर्श षष्ठीषु चतुर्दश अष्टमीषु च नवम्यां भानुवारे च दंतकाष्ठं विवर्जयेत। चतुर्दश्चे अष्टमी दर्श पूर्णिमा संक्रमो रवे येषु स्त्री तेल मांसानि दंतकाष्ठं च वर्जयेत्। श्राद्धे जन्मदिने च विवाहे अजीर्ण दोषतः व्रते च उपवासे च वर्जयेत् दंतधावनम्। रजस्वला तथा प्रसूता की स्थिति में इनमें भी दातों का निषेध है। इसके लिए सूत्र है, रजस्वला सूतिका च वर्जे दंत धावनम, ये स्कंद पुराण में दिया हुआ प्रवास खंड में। अब निषिद्ध काल में फिर क्या करना चाहिए, तो उसके लिए जिन जिन अवसरों पर दांतों का निषेध है उन अवसरों पर विहित वृक्षों के पत्तों से या सुगंधित दंत मंजनों से दांतों को स्वच्छ कर लेना चाहिए। मंजन अनामिका एवं अंगूठे से लगाना उत्तम है, अन्य दो अंगुलियों से भी मंजन किया जा सकता है, किंतु तर्जनी से करना सर्वथा निषिद्ध है, सर्वथा मना है। तो ये मुख्य चीज है। तत्पत्रे सुगंधैर्वा कार्ये दंत धावनम्। अनामा अंगुष्ठा उत्तमो मध्याय मध्यमाया कनिष्ठिकायाश्च वेत प्रसिद्धित्वाद विकल्पः तर्जनी तु सर्वमते निंद्या। जीवी का निषेध नहीं है, इसलिए निषिद्ध अवसरों पर भी जीवी की जा सकती है। तो जिव्योल्लेख सदैव तु, दातून के बाद यदि किसी तरह शिखा खुल गई हो तो उसे मंत्र से बांध लेना चाहिए। अब है क्षौर कर्म, तो शास्त्र ने क्षौर कर्म यानी कि बाल कटवाने का भी एक क्रम निर्दिष्ट किया है। तो जो क्षौर कर्म है यानी बाल कटवाने का जो वो है प्रावधान, अब हम आपको उसको बता रहे हैं।
पहले दाढ़ी दाहिनी ओर से पूरी बनवा लें, फिर मूंछ को, तब बगल के बाल को तथा सिर के केश को, और इसके बाद आवश्यकता अनुसार गुह्यांगों या अन्य रोमों को काटना चाहिए। अंत में नखों के कटवाने का विधान है। तो इसमें श्लोक है, श्रम शून्य ग्रे वापयते अथो कप शावथ केशानथ लोमान्यथ नखानी अथय तन्मुन पूर्वत्ने मिथुनम पश्यत स इसम श्रूणीय ग्रे पपवत अथोपकक्षो अथ केशान। एकादशी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा संक्रांति व्यतिपात योग विष्टि यानी भद्रा और व्रत के दिन श्राद्ध के दिन एवं मंगल और शनिवार को क्षौर कर्म वर्जित है, नहीं करना चाहिए, यानी बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए इस इन दिनों में। तो क्षौर कर्म में गर्गाद मुनियों का जो कथन है वो यह है कि रविवार को क्षौर कराने से यानी बाल या नाखून कटवाने से 1 मास की और शनिवार को कटवाने से 7 मास की और मंगलवार को कटवाने से 8 मास की आयु को उस दिन के अभिमानी देवता क्षीण कर देते हैं यानी घटा देते हैं। इसी प्रकार से अब इसका उल्टा भी है, जिस दिन कराई जाती है उसमें क्या फल मिलता है, क्या फायदा होता है, अब आप उसे सुनिए। बुधवार को क्षौर कराने से, क्षौर का अर्थ वही है जो बाल कटवाना नाखून कटवाना, क्षौर कराने से 5 मास की और सोमवार को 7 मास की, गुरुवार को 10 मास की और शुक्रवार को 11 मास की आयु की उस दिन के अभिमानी देवता वृद्धि कर देते हैं यानी उम्र बढ़ा देते हैं इतनी। पुत्रेच्छु के जो गृहस्थ होते हैं यानी जिनको पुत्र की इच्छा हो, पुत्रेच्छु गृहस्थों एवं एक पुत्र वाले को जिसका केवल एक ही पुत्र हो उनको सोमवार को तथा विद्या एवं लक्ष्मी के इच्छुक को गुरुवार को क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। यानी ऐसे लोगों को जो एक पुत्र वाले उनको सोमवार को और जो विद्या तथा लक्ष्मी के इच्छुक उनको गुरुवार को बाल या नाखून नहीं कटाना चाहिए। इसके बाद है तैलाभ्यंग यानी कि तेल आदि का जो लगाया जाना है। तो तैलाभ्यंग की जो रीति है वो ये है, षष्ठी एकादशी द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा व्रत एवं श्राद्ध के दिन तथा रवि मंगल गुरु और शुक्रवार को तेल नहीं लगाना चाहिए, किंतु सुगंधित पुष्पों से वासित आयुर्वेद की पद्धति से सिद्ध षडविंदु तेल और महाभृंगराज आदि तेल इनको वर्जित कालों में भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार सरसों के तेल का निषेध नहीं है, सरसों का तेल कभी भी लगाया उसको नहीं निषेध किया गया है, और ये वाले जो आयुर्वेदिक तेल रहते हैं इनको निषेध नहीं है, बाकी समस्त तेल का निषेध है। मुख्य रूप से तिलक के तेल का ही निषेध है, ओ सॉरी तिल के तेल का। तो जो तिल का तेल रहता है उसका मुख्य निषेध किया गया है। इसके उपरांत में अब हम स्नान के संबंध में चर्चा करते हैं।